महानगरों से लेकर गांव तक दहेज प्रथा ने आज इतना भयानक रूप धारण कर लिया है कि समाज का प्रत्येक वर्ग इसके कारण दुखी है। इतनी भयानकता का प्रमाण प्रतिदिन हो रही घटनाओं में साक्षात नजर आ रहा है। दहेज उन्मूलन के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, सेमिनार लगाए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती है, नारे लिखे जाते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। समाज को इस प्रथा के खिलाफ लामबद्ध होना होगा, इस बढ़ती विशेषिल को काटना होगा। अगर समाज के लोग एकजुट होकर इसका खात्मा करेंगे तो आने वाले समय में इस पर रोक लग सकेगी। दहेज के इस दानव ने आज पता नहीं कितनी बेटियों को निकल दिया, मगर समाज गहरी निद्रा में सोया हुआ है। समाज में प्रतिदिन बेटियां दहेज लोभियों की प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, मगर समाज इससे सबक नहीं सीख रहा है। आखिर दहेज हत्याएं क्यों नहीं रुकती हैं? यह एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। बेशक देश में दहेज के खिलाफ ढेरों कड़े कानून बनाए गए हैं, मगर यह कानून फाइलों की धूल चाट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी से हमारे सामने आया है। यहाँ पर दहेज के लोभियों ने विवाहिता को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज तक पुलिस ने ना तो आरोपियों पर कोई कार्यवाही की है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जनपद मैनपुरी के एक विवाहिता को ससुरालियों ने दहेज में 2 लाख रुपए ना देने को लेकर सोते समय गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को चारपाई पर छोड़कर भाग जाने में सफल हो गए, जिसकी सूचना के बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतिका के भाई की शिकायत पर पति, सास ससुर, देवर व ननद के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था, लेकिन अभी तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय थाना पुलिस वह जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी ने आरोपियों से साठ गांठ कर खुलेआम उन्हें छोड़ दिया है, जो पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। बीते 29 नवंबर की रात को जब बबीता अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके पति राहुल, देवर, सास, ननद और ससुर ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद विवाहिता के शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे, तभी लोगों को इसकी भनक लगी, जिसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट बागवाला थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। जब इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सिटी सदर एटा से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम सिंह है। आप लड़की के पिता थे? जी हाँ। अच्छा, जब ये बताइए, जब आपकी लड़की की सूचना मिलेगी आपको कि यहाँ मतलब मौत के घाट उतार दिया है, तो वहाँ पे परिवारजन मिले थे कि नहीं? कोई नहीं, सब मिला था। सब भाग गए? सब भाग गए। दो परोस वाले नहीं, कोई नहीं मिला, सबके तारे बंद थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर कहा साहब, मतलब पुलिस वाले ले जाते लाश को, बिटिया पहुँच गई बागवाले के पास ही में, तो बिटिया ने फिर मतलब रोक ले, निकलिया अभी नहीं ले जाने देंगे, हमारे माँ बाप आ जाए उसके बाद आप ले जाओ। तो हम पहुँच गए, फिर तो मतलब लिखा पड़ी हुई थी, सीओ आई है, सीओ ने लिखा पड़ी करी। अच्छा, वो दहेज के खातिर मारा था आपको? हाँ। तो ये बताइए क्या मांग रहे थे वो? 2 लाख रुपए मांग रहे थे साहब, बेटी थे। हाँ। तो बेटी जगह पापा पे 2 लाख रुपए मांग रहे, तो बेटी हम कहाँ से दे, 1 लाख रुपया हमने बीमारी में लगाए दो, लड़का के इलाज में लगाए दो, बच्चा बहू बच्चा इलाज में लगाए दो। हाँ। तो साहब मेरे पास अब कहाँ से दे रहे हो, कहाँ से कहा? 2 लाख रुपए और क्या मांग रहे थे? और भाई सामान 1 लाख रुपए और भी। हाँ? अच्छा, कब गुड़िया की शादी की थी आपने? करी थी 1 साल पहले? हाँ, 2 साल पहले, 2.5 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तब से पड़ताल थी करते थे आपकी गुड़िया को? हाँ, बहुत परेशान सर करते थे। अच्छा। शेर भर आटा नहीं, लड़की को दिया खाने के लिए। अच्छा, एक मिनट में तेरे लिए यहाँ पे 1 सेकंड जगह नहीं। अच्छा, तो आपकी गुड़िया आपसे शिकायत भी करती होगी? बिल्कुल सर, करती। हमें पड़तालित करते हैं। पंचायत भी की थी आपने? बिल्कुल साहब, हम गए दोनों जन मियाँ बीबी, समझाया बहुत, लेकिन वो नहीं मानते थे। जब चाची तेरा सही हो जाते फिर भाई हालत। अच्छा, 2 लाख रुपए चाहिए। माता जी आपका? अच्छा, आपकी गुड़िया थी वो? हाँ, मेरी। अच्छा, किन हालातों में मिली थी आपको? लेटी मिली थी, वो बाकायदा रजिया उड़ाई गई थी, और मेरी बड़ी बिटिया पहुंची 10 मिनट पहले, मैं जा रही थी बिटिया जलान खाए। अच्छा। ना हाथ में, ना पैर में, ना गुदिया में, और ब्लाउज फटो तो बाकी बद्दी टूटी थी बिरा की। हाँ, बाकायदा से ऐसी लेटी पड़ी है। मतलब मारपीट की मारा था? हाँ, मारपीट मारा, गला घोट के मारो है वो, चूड़िया और बिछिया, टोकस वगैरह सब रे भाई बैठ रहे थे,
चादर अंदर खींची दे रही थी। फिर सूचना कैसे पुलिस को आपने सूचना दी थी क्या? ना वाले ने फोन करो तो तब पुलिस गई हुआ, अगर ना जाती तो मेरी बेटिया की मट्टी गायब करनी चाह रही थी, जलाना चाह रहे थे। हाँ, जलाना चाह रहे। अच्छा, पुलिस अब गिरफ्तार नहीं कर रही है किसी यार को? किसी को ना पकड़ो ना डकड़ो, अभी तक उनके घर नहीं पहुँचे, उन्हें तो पैसा भर दिया। अच्छा, कहाँ पैसा भर दिया? थाने में भरो, और जब हुई है बिटिया हम तो सब रोज चला, एक जन ने सुने कि 20,000 रूपए अबे ले जाओ, 30,000 रूपए रह गए, हमें आपको फिर पहुँचाई दिए। अच्छा, पुलिस वालों को देने के लिए? हाँ। तो थाना बाग वाले की पुलिस ने पैसा ले लिया? अब पुलिस उन्होंने खाओ और सीओ खबो पैसा, दो जगह खाओ पैसा, तब तो नहीं जा रही, और जब थाने जा रहे तो जब कह रहे कि उन जाओ उनके अंतर केस है, बे ही बोले सीओ, तब हम भागे। क्या नाम है भैया आपका? संजीव गौतम। अच्छा संजीव जी, ये बताइए जो ना आपकी बहन का क्या नाम था और कहाँ शादी की गई थी और किस तरह से मतलब उनकी हत्या की गई? हमारी बहन का नाम बबीता था जी, और नंगला कोठी जो जिला एटा में पड़ता है, थाना बागवाल आता उनका। तो हमने राहुल सन ऑफ साहब सिंह के लड़के के लिए शादी की थी, ठीक है, जिन्होंने हमारी बहन को बीच बीच में मार तोड़ भी करते थे, काफ़ी इन्होंने मारते थे, और इनके पापा भी मम्मी यही कहते थे कि तूने तेरे क्या ले आई अपने घर से, बेकार भगाए रे। अब साहब हमारे जो बना हमने दिया अपनी बहन दी, ठीक है साहब, इसको समझाया भी लेकिन नहीं मारा, और उस दिन हमारी बहन को इसने बेरहमी से मार के और गला घोंट के उसको हत्या करी गई, जो कि उसकी ना पुलिस भी सुनवाई कर रही है ना कोई, आज 20-22 दिन हो गए हैं। एसओ साहब से भी हमने बात करी तो एसओ साहब हमारे ये कह देते हैं कि हम बेटे हम कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर सीओ साहब से भी हम मिले जाके तो सीओ साहब ने भी यही बोला है कि बेटे परेशान न हो, जल्दी पकड़े जाएंगे। तो अब बताओ साहब, अच्छा कितने दिन हो गए मतलब हत्या के बाद? आज 23वां दिन है, आज यानी 23वां दिन है। सीओ साहब से कल भी हमने फोन किया तो सीओ साहब ने फोन उठाया नहीं, एक दिन मुलाकात हुई हमें हमारी 3-4 दिन पहले। अच्छा ये बताइए मतलब अभी मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं? हाँ अभी सर। क्या आप लोगों को भी धमकियां मिल रही है? हाँ सर, यहाँ आके लोग बाग ये कहते हैं, फोन पे भी कहते हैं फैसला कर लो, नहीं तो बकनों को बहुत ज्यादा पछताओगे, इससे भी ज्यादा बुरा होगा। अब बताओ सर, हमारी बहन गई और हम फिर भी इस चीज को कैसे कर सकते हैं? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।